वायु गैसों का एक मिश्रण है। इसमें गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और केवल 1% अन्य गैसों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। गैसों का ये संतुलन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तो उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण। जब हम कचरे को जलाते हैं तो कचरे को जलाने से उत्पन्न धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा को बढ़ा देता है और इस प्रकार वायु प्रदूषण फैलाता है। इससे श्वसन संबंधी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दमा, खांसी आदि, और कई पर्यावरण संबंधी मुश्किलें भी पैदा हो जाती हैं। जब हमारा वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है, तब सौर किरणें यानी सूर्य से आने वाली किरणें सीधे पृथ्वी तक आती हैं। पृथ्वी की सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और अवरक्त किरणों को परावर्तित कर देती है। पृथ्वी से परावर्तित होने वाली कुछ अवरक्त किरणें तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ अंतरिक्ष में चली जाती हैं। जो अवरक्त किरणें गैसों द्वारा अवशोषित की जाती हैं, वह ताप के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर वापस आती हैं, और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर रहने योग्य ताप बनाए रखने में मदद करती हैं। इसे पौधघर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहते हैं, और इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों को पौधघर गैसें कहते हैं। पौधघर के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। अगर ये पौधघर गैसें ना हो तो पृथ्वी की सतह का ताप -20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और हमारी पृथ्वी फ्रोजन वेस्टलैंड हो जाएगी। लेकिन जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पौधघर गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तब उनके द्वारा अवरक्त किरणों का शोषण भी बढ़ जाता है, जिससे वातावरण अधिक गर्म हो जाता है। क्योंकि पौधघर गैसें पृथ्वी से होने वाली ऊष्मीय विकिरणों को रोक लेती हैं, कम तापीय ऊर्जा अंतरिक्ष में जाती है और अधिक तापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नजदीक रहती है और हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। लगभग पिछले कुछ 30 वर्षों से पौधघर प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारा पूरा विश्व गर्म हो रहा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। यही पौधघर प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, क्योंकि पौधघर प्रभाव के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्वतों से बर्फ पिघल रही है और बाढ़ की संभावना बढ़ती जा रही है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्रदूषण फैला रही है। देखो, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आपको रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन भी चाहिए। इसीलिए मनुष्य अब जंगलों को काट कर घर बना रहा है, फैक्ट्रियां बना रहा है। इससे हमारी मृदा का अपरदन यानी सॉइल इरोजन हो रहा है। मृदा अपरदन वह क्या होता है? हमारी भूमि की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। वह जीवित व मृत पदार्थों का मिश्रण है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो
तो मृदा पेड़ों की जड़ों द्वारा जकड़ी नहीं होती और इस पर हवा व पानी का अधिक प्रभाव पड़ता है। तेज हवा या तेज बहता हुआ पानी इसकी ऊपरी सतह को उड़ा या बहा ले जाता है। इसे ही हम मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन कहते हैं। इससे हमारी उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है या बह जाती है या धूल का बादल बन जाती है। अब समझी, तभी आप अधिक वृक्ष लगाने पर जोर देती हैं। और हमें उपयुक्त अपवाह नालियां भी बनानी चाहिए ताकि पानी का तेज बहाव मृदा को प्रभावित ना कर सके। हाँ, और जहाँ ढलान हो जैसे पहाड़ों पर, वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर पानी के बहाव की गति कम करनी चाहिए। मैडम, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं, अपना वातावरण स्वयं नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार तो एक दिन इस प्रकृति में केवल प्रदूषक ही बचेंगे और बचेगा प्रदूषण। तो क्या हमें फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग बंद कर देना चाहिए? फिर तो हमारा विकास ही रुक जाएगा। क्या मनुष्य को प्राचीन काल जैसा ही हो जाना चाहिए, बैलगाड़ियों पर चलना चाहिए, गुफाओं में रहना चाहिए? नहीं नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें केवल पर्यावरण व विकास में संतुलन स्थापित करना है, यानी हमें संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमें प्राकृतिक स्रोतों का इस प्रकार प्रयोग करना है जिससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी भी इससे वंचित ना रहे। हमें अपने पर्यावरण व वातावरण को संभालकर आने वाली पीढ़ी को तोहफे के रूप में देना है। मैं समझा, हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है और इसके लिए हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और प्रदूषण के स्रोतों का उपचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक समझे, तुम हमारे देश के समझदार नागरिक हो। यदि तुम ये संदेश औरों को दोगे और सभी इन्हें समझेंगे और इनका ध्यान रखेंगे तो हमें एक स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। तो हम आने वाली पीढ़ी को भी ये स्वच्छ पर्यावरण एक उपहार के रूप में दे सकेंगे। समझे? यस मैडम। धन्यवाद मैडम। हमारी प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन हम इसमें हानिकारक अवांछनीय पदार्थ मिलाकर इसको प्रदूषित कर रहे हैं। वह हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। हम अपनी भूमि और जल में अवांछनीय पदार्थ डालकर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। अपनी वायु में जहरीली गैसें व जहरीले कण मिलाकर उसका प्रदूषण कर रहे हैं। और तो और, हम शोर से भी पर्यावरण का प्रदूषण कर रहे हैं। इतने प्रकार के प्रदूषण? यस माय चाइल्ड, प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार का होता है। नंबर एक, भूमि प्रदूषण। नंबर दो, वायु प्रदूषण। नंबर तीन, जल प्रदूषण। और नंबर चार, ध्वनि प्रदूषण। मैडम, क्या आप हमें यह विस्तार से समझाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चों, तुमने सड़कों पर, कूड़ा घर के बाहर और गलियों में कचरे के ढेर देखे होंगे जो ना केवल हमारी राजधानी की खूबसूरती नष्ट करते हैं बल्कि भूमि प्रदूषण भी फैलाते हैं। ये भूमि जो कई सूक्ष्म जीवों व कीटों का घर है, इसके प्रदूषण से उनकी जान को खतरा हो जाता है। केवल यही नहीं, आवारा जानवर उस गंदगी में घूमते हैं और बीमारी फैलाते हैं। जब यही कचरा नालियों में पानी के बहाव को रोकता है
तो वहाँ रुके हुए पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। यस मैडम, और यही मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। बिल्कुल ठीक बिटिया, तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या कभी तुम्हें सड़क पर चलते हुए कचरा फेंकना पड़ जाए तो कहाँ फेंकते हो? कूड़ेदान में। सच? तब तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन तुमने ध्यान दिया, सड़क के किनारे पर तो दो रंगों के कूड़ेदान यानी डस्टबिन होते हैं। यस मैडम, एक हरा और एक नीला। लेकिन मैडम, सड़क के किनारे दो अलग अलग रंगों के कूड़ेदान क्यों होते हैं? ये दोनों अलग अलग रंगों के कूड़ेदान या डस्टबिन अलग अलग प्रकार के प्रदूषकों के लिए होते हैं। क्या प्रदूषकों के भी प्रकार होते हैं? हाँ बेटा, प्रदूषकों के भी प्रकार होते हैं। वास्तव में प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल उत्पादों जैसे तत्वों, यौगिकों व खनिजों में अपघटन हो जाता है और जो अपघटित होने के बाद मिट्टी में या वातावरण में मिल जाते हैं। इन्हें जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं, जैसे घरों व रसोई का कूड़ा, कागज, लकड़ी का सामान, कपड़ा, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, मल और मूत्र आदि। ये सब जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। लेकिन बच्चों, कुछ प्रदूषक ऐसे भी होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा संभव नहीं हो सकता। वे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल उत्पाद में नहीं बदले जाते और हमें हानि पहुंचाते हैं, जैसे पॉलिथीन की थैली, प्लास्टिक, कीड़े मारने की दवाएं, डीडीटी, पारा, सीसा अपमार्जक व अन्य रसायन। ऐसे प्रदूषकों को जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, हमारे द्वारा सड़क पर फेंकी गई पॉलिथीन की थैली यदि गाय खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। पॉलिथीन की थैली निगलने से गाय की जान कैसे जा सकती है? क्योंकि गाय उन्हें पचा नहीं सकती। बिल्कुल सही। और पॉलिथीन की थैली गाय की आंतों में फंस जाती है और वो मर जाती है। इन अलग अलग प्रदूषकों को अलग अलग कूड़ेदान में ही क्यों डालना चाहिए? हम उन्हें एक ही कूड़ेदान में क्यों नहीं डाल सकते? ये तो तुमने बहुत बढ़िया सवाल किया। अलग अलग प्रकार के प्रदूषकों को अलग अलग कूड़ेदान में इसलिए डालना चाहिए ताकि इनका निपटारा अलग अलग ढंग से किया जा सके। बड़े शहरों में इस कचरे का प्रयोग या तो भूमि भराव के लिए किया जाता है या इसका पुनः चक्रण किया जाता है, जैसे इनमें से धातुएं व प्लास्टिक जैसी जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों को निकालकर उन्हें गलाकर फिर धातु या प्लास्टिक प्राप्त किया जाता है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को गड्ढों में भरकर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है या इसे बहुत अधिक ताप पर जलाकर राख में बदलकर इसकी मात्रा कम की जा सकती है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक को बायोगैस संयंत्र में डालकर बायोगैस बनाई जाती है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें समझाया था कि अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए
और पहचान के लिए उन्हें अलग अलग रंग भी दिए गए हैं। जैव निम्नीकरणीय कचरे को हरे डब्बे में डाला जाता है और जैव अनिम्नीकरणीय कचरे को नीले डब्बे में। तो अब तुम बताओ, तुम हरे डब्बे में कौन से प्रदूषक डालोगे? वह प्रदूषक जिनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा हो जाता है, यानी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। और नीले डब्बे में कौन से प्रदूषक डालोगे? वह प्रदूषक जिनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा संभव नहीं है, यानी जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक। बच्चों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे और औरों को भी समझाओगे तो हमारी दिल्ली अवश्य साफ और सुंदर रहेगी। जरूर मैडम, हम अवश्य सबको बताएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए सबसे पहले आपसे पहचान करते हैं। आप सभी अपना नाम और अपने शौक के बारे में हमें बताएं, ठीक है? जी मैडम। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अमित है, हम सभी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। मेरा नाम दीक्षा है, मैं कथक सीखना चाहती हूँ। मेरा नाम जूली है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मेरा नाम अमनदीप है, मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है। मेरा नाम अर्शिया है, मुझे कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है। मेरा नाम जसप्रीत है और मुझे म्यूजिक का शौक है। मेरा नाम नदीम है और मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक है। मेरा नाम वेंकटेश है, मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है। तो आप सभी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। जी मैडम। 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो खूब मेहनत करनी पड़ती होगी, पढ़ाई का दबाव तो नहीं महसूस करते? हाँ, थोड़ा थोड़ा। देखो, आप सभी को पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि पढ़ने में एक खेल की तरह ही मजा उठाना चाहिए। और ये बहुत ही आसान है, केवल पढ़ाई में मन लगाओ, सोचो, करो और सीखो। 10वीं कक्षा के छात्र होने के कारण आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप खेलना छोड़ ही दें, क्योंकि आपके सर्वांगीण विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है, पढ़ना भी और खेलना भी। समझे? जी मैडम। मैडम, हमने अखबारों में पढ़ा था कि आपके बगीचे में चमगादड़ों की ऐसी प्रजातियां हैं जो बाहरी दुनिया में काफी हद तक लुप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं इनके लिए बहुत चिंतित हूँ और इनकी देखभाल की कोशिश करती हूँ। मैडम, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? नहीं बच्चों, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हम जाने अनजाने उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कैसे? हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जानवरों को मारते हैं, जिसके कारण इनकी अनेक प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम उसे लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। प्रकृति और प्रदूषण? लेकिन मैडम, हम प्रकृति को किस प्रकार प्रदूषित कर रहे हैं?
कई उद्योगों से आकर प्रदूषक इसमें मिल रहे हैं, कहीं बिजली घरों से तो कहीं रेडियो एक्टिव प्लांट से। कैल्शियम, मैग्नीशियम के यौगिक, जीवाणु व रोगाणु, तेल, भारी धातुएं, अपमार्जक, घरेलू कचरा, रेडियोधर्मी कचरा सभी प्रदूषक का काम करते हैं। वास्तव में दो प्रकार के स्रोतों से आकर प्रदूषक नदियों के जल में मिलते हैं। एक तो होते हैं बिंदु स्रोत, जो प्रदूषकों को सीधा जल स्रोत में मिलाते हैं, जैसे फैक्ट्रियों, बिजली घर, उद्योग क्षेत्र आदि। इनके स्थान निश्चित होते हैं, इसलिए जल में मिलने से पहले इन प्रदूषकों का उपचार भी संभव है। दूसरे होते हैं अबिंदु स्रोत, जो हर तरफ फैले होते हैं या निश्चित स्थान से प्रवाहित नहीं होते हैं, जैसे खेत, बगीचे, निर्माण स्थल, सड़क और नालियां, जिनसे प्रदूषक आकर जल में मिलते हैं और इनका उपचार भी कठिन होता है। हम इसे नहीं पी सकते। पीने वाले जल को पारदर्शी, रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। उसमें हानिकारक रसायन एवं जीवाणु नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रदूषित जल से तो टाइफाइड, हैजा और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं, और इससे नदियों में जलीय जीवन भी प्रभावित होता है। जलीय जीवन को जल प्रदूषण द्वारा उत्पन्न सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन द्वारा हानि पहुंचती है। जब जल में अधिक मल तथा उर्वरक मिल जाते हैं तो शैवाल जैसे हरे पौधों को बहुत अधिक पोषण मिलने लगता है और उनकी मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। शैवाल नदी को ढक लेते हैं। उनकी मात्रा में वृद्धि से जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। जब ये शैवाल अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं तो मरने लगते हैं। उन पर वायुजीवी अपघटक यानी एरोबिक डिकम्पोजर्स सक्रिय हो जाते हैं और वो शैवालों का अपघटन करने के लिए जलाशय में मिली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इससे भी जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे जलीय प्राणियों व मछलियों को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वे मरने लगती हैं। और इसी कारण से प्रदूषित जल में मछलियां नहीं दिखती हैं। हमें प्रदूषकों आदि को नदी में प्रवाहित करने से पहले ही साफ कर लेना चाहिए, उनके हानिकारक प्रभावों को नष्ट कर देना चाहिए। मल को तीन चरणों में साफ किया जा सकता है। सबसे पहले मल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। मल को एक घर्षण क्रिया से गुजारा जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। फिर बचे हुए मल को चूना डालकर उदासीन किया जाता है। लेकिन मल में अभी भी रोगजनक जैव पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसे उच्च स्तरीय अवायवी बहाव आवरण यानी अपफ्लो एनरोबिक स्लज ब्लैंकेट यानी यूएएसबी नामक चैम्बर में भेजा जाता है। यहाँ अवायवी जीवाणु यानी एनरोबिक बैक्टीरिया जैव निम्नीकरण पदार्थों को आगे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिनका प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है और मीथेन गैस निकल जाती है और दुर्गंध दूर हो जाती है।
उसे आप पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। अब यहाँ मल स्वच्छ जल में बदल जाता है और मल में से लगभग 85% अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर इसे वायु मिश्रण टैंक यानी एरेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां इसे वायु और जीवाणुओं के साथ मिलाया जाता है और ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपमार्जन कर देते हैं। तो ये हो गया दूसरा चरण। अभी भी ये जल पीने के योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें अभी भी हानिकारक छोटे जीवाणु होते हैं। इसलिए इसका अंतिम चरण है रोगाणु नाशन प्रक्रिया। इस चरण में जल में क्लोरीन का प्रवाह कर वाष्पीकरण कर तथा विनिमय अवशोषण विधियों का प्रयोग कर इसे शुद्ध किया जाता है। ये हो गया अंतिम चरण यानी रोगाणु नाशन चरण। अब जल को प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि जल पर तेल की परत यानी ऑयल स्लिक हो तो उसे चूषण तकनीक द्वारा या फिर उस पर लकड़ी का बुरादा फैलाकर तेल सोख कर उसे अलग किया जा सकता है।